जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। इस सेशन से रोज जुड़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, सभी साथी आ चुके हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस के कोर्स में, तो अभी मात्र आप 1200 रुपए में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं और 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इतना बढ़िया सेशन, इतना बढ़िया कोर्स आप लोगों के लिए चलाया जाता है। बढ़िया दोस्तों, रोज रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री क्लास होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रात्रि 9 बजे। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य के इस कोर्स में जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथ ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और दोस्तों ये अगर आपको हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य दो पार्ट में है, ये नोट्स अगर अपने घर पर मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़ है। ठीक है, क्रमबद्ध टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप घर पर मंगवा सकते हैं, ट्रिक भी है साथ में। पंजाब मास्टर कैडर वाले मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं मात्र 500 में, ये मॉडल पेपर। ठीक है, मात्र 500 में बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर बनाएगा दोस्तों। साथ ही पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथ ही अभी भी दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो 1200 का ऑफर है ये सिर्फ दोस्तों आज या एक दो दिन के लिए बस है, सो आप सभी साथी इसका जो है लाभ जरूर लें। उसके बाद यही कोर्स आपके लिए बड़ी हुई राशि पर दोस्तों मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको बताना है। और जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, टॉपिक वाइज 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं 500+99 पोस्ट चार्ज, 599 में। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है, चलिए बता दो फटाक से, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी आचार्य शुक्ल ने। जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दो फटाक से। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल, आज अपन दोस्तों भक्ति काल स्टार्ट कर रहे हैं और भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी लोग बताएंगे और आपका उत्तर जा रहा है कि सर भक्ति काल की अगर बात करोगे तो भक्ति काल की समय सीमा मानी है संबत 1050 से लेकर के 1375। ठीक है, संबत 1050 से लेकर या 1375 से 1700 क्या मानी है, बोले सर ये 1050 से 1375 तो आदिकाल की मानी है और संबत 1375 से 1700 का जो समय सीमा ये भक्ति काल की मानी है। ठीक है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आदिकाल की सीमा, ये भक्ति काल की सीमा और 1700 से 1900 का जो काल माना है इन्होंने दोस्तों क्या माना है, रीति काल। ठीक है, फिर इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है जिसकी समय सीमा क्या मानी है ये आपको बताना है। बताओ ये क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया, तब आपका उत्तर होता है गद्य काल। ठीक है, और गद्य काल का बताना है आपको कि गद्य काल की जो समय सीमा मानी है वो समय सीमा क्या मानी है। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी, डॉक्टर नगेंद्र का पूछा जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी, 2 नंबर के क्वेश्चन में। और यहां पर डॉक्टर नगेंद्र की बात आई है तो 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर 1350 से 1650। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है, भक्ति आंदोलन के उदय का कारण कौन सा माना, ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग, या फिर इनमें से कोई नहीं। रीनू जी बताइए, रेशु जी, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य शुक्ल के हिसाब से आपको बताना है, वीडियो को शेयर कर दो साथी। और आचार्य शुक्ल ने क्या माना, आचार्य शुक्ल ने माना है कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में, या फिर महाराष्ट्र में, कहां पर माना गया। आशुतोष जी, आशु कुमारी जी, मनोज जी, खेमचंद जी, सभी लोग लाइक कर दें। और दोस्तों 3000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो जिनको भी अपने घर पर मंगवाना है टॉपिक वाइज वो घर पर मंगवा सकते हैं, मात्र
500 प्लस 99 पोस्ट चार्ज में, 599 टोटल, ठीक है। तो यहां पर भक्ति भावना का मूल स्रोत यानी कि चार नंबर का क्वेश्चन और उत्तर चला गया कि सर दक्षिण भारत से भक्ति का जो स्रोत है, भक्ति का जो भावना है, भक्ति के जो आंदोलन है वो दक्षिण भारत से शुरुआत हुई और ये धीरे धीरे उत्तर भारत को आई, तभी तो कहा जाता है कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, यानी कि उत्तर भारत लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद, जो कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, कबीर के गुरु भी माने जाते हैं, सगुण काव्यधारा के दोस्तों आचार भी माने जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है, पांच नंबर के क्वेश्चन में असत्य कथन बताना है रोहिणी जी, आरके जी, सभी साथी बताएंगे, गीता सिंह जी, मोनिका जी, कुमुद पटेल जी, पांच का उत्तर, वीडियो को एक बार लाइक भी कर देंगे सभी साथी। रीना सूर्यवंशी जी, कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना पांच नंबर के क्वेश्चन में। तो आपको बताया कि सर भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ये तो सही है, भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, ये भी सही है, दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी, ये भी सही है, लेकिन उत्तर है कि भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं में प्राप्त हुई, ये क्या है, गलत है, यानी कि प्रश्न का उत्तर ही क्या है, ये सही है, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया, यानी कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, मुकुंद जी जल्दी से बता दो, वीडियो को लाइक भी कर दो सभी साथी, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया, शंकराचार्य ने, महावीर स्वामी ने, वल्लभाचार्य या फिर महात्मा बुद्ध ने, छठवा का आंसर वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी, और एमपी टेट वाले जिनको भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट मंगवाना है वो भी मंगवा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मंगवाई गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट्स मिल गए अजय जी पाटले, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अजय जी, ठीक है। इसी प्रकार से अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया है ये बताना, शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य, महात्मा बुद्ध ने, तो आपका उत्तर है कि सर अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है, सात नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध संप्रदाय से, नाथ पंथ से, बौद्ध धर्म या फिर वेदांत योग से, सात का उत्तर बताना है सात नंबर के क्वेश्चन में। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग, कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहित हैं, ये क्वेश्चन है, सात नंबर का उत्तर भी बताना है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर बी नंबर लगा दो, नाथ पंथ, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, नाथ पंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संत कवि नहीं है, संत कवि कौन नहीं है बताइए, आठ का उत्तर, वीडियो को लाइक भी कर दो, पवन कुमार जी, ए के रावत जी, सोनू जी, सभी लोग बताएंगे, दीपिका शुक्ला जी, चयन करो कौन संत कवि नहीं है, संत कवि कौन नहीं है, आठ का उत्तर वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, आठ के उत्तर में संत कवि कौन नहीं है, संत कवि तो कबीरदास तो है संत है ना, सूर सुंदर दास भी है, गुरु नानक दास भी संत है, अब संत कौन नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताइए, ईश्वरदास नहीं है, ईश्वरदास राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं दोस्तों, ये संत कवि नहीं है। कबीर के गुरु का नाम क्या था, कबीर के गुरु का नाम बताना है, और दोस्तों चयन करिए, और मुसलमान अनुयायियों के द्वारा कबीर के गुरु कौन थे ये भी आपको बताना है, बताइए, एके जी चयन करिए जल्दी से, सीतू जी, सोना जी, फटाफट से, बर के त्यागी जी, मुकुंद जी, पिंकी जी, बहुत सारे साथी, नए साथी दिख रहे हैं है ना, आरती कुमारी जी, परमिंदर जी, कबीर के गुरु का नाम, बोले सर कबीर के गुरु का नाम था क्या, रामानंद, लेकिन एक चीज याद रख लेना कि रामानंद जो थे ये सगुण थे, सगुण थे, और कबीर जो थे ये निर्गुण थे, कबीर क्या थे, निर्गुण थे, यानी कि ये निराकार ब्रह्मा की पूजा करते थे, और सगुण यानी कि ये दोस्तों मूर्ति पूजा, साकार ब्रह्मा की पूजन करते थे, उसके पक्ष में थे कौन, रामानंद, तो रामानंद के शिष्यों में निर्गुण और सगुण दोनों थे, ठीक है। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है, चयन कर दो एक बार, सभी साथी लाइक भी कर दो, और जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों सभी साथी 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवा सकते हैं, अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से, जैन धर्म के प्रभाव से, नाथ पंथ के प्रभाव से, या फिर शाक्त संप्रदाय के प्रभाव से। 10 नंबर के क्वेश्चन में संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की जो आलोचना किसके प्रभाव से की है, वैदिक परंपराओं की संत कवियों ने, 10 नंबर के क्वेश्चन में, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से।
किसके प्रभाव से किए संत कवियों ने, बताइए शोनू जी, ज्योति कुमारी जी, सभी का आंसर जा रहा कि सर संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से, बौद्ध धर्म के प्रभाव से। यानी कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का ये है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की और आलोचना इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है ना, ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद कबीर का जन्म कब माना जाता है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर का जन्म जल्दी से बताइए, कबीर का जन्म बता दो एक बार और लाइक कर दो जल्दी से। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी। कबीर का जन्म बताना है, कब हुआ है कबीर का जन्म, फटाक से बताएंगे कबीर का जन्म कब हुआ। और एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर इनका जन्म हुआ है 1398 ईस्वी, यानी कि आपका जो डी नंबर है यहां पर 1398 सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई बताएगा संत कवियों के क्रम से, क्रम से कौन बताएगा, धर्मेंद्र जी संपर्क कर सकते हो, यहां पर आ जाओ जल्दी से, क्रम से कोई बताएगा, सबसे पहले संत कवियों में कोई क्रम से नाम बताएगा, बताओ जल्दी से, किसी को पता है, चेतन जी, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य बताना है, एक अच्छा क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछा है, शंकराचार्य, रामानंद रामानुजाचार्य या फिर वल्लभाचार्य, विशिष्ट कौन है, बोले सर विशिष्ट तो कौन है, राम विशिष्ट है, यानी कि आपका उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए, श्री संप्रदाय यानी कि स्वामी हरिदास, जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दो एक बार, नेहा कुमारी जी, ठीक है बताइए, ये प्रैक्टिस नहीं है 3000 क्वेश्चन की, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए, स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य, 13 का उत्तर बताना, वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से। और श्री संप्रदाय के जो आचार माने जाते हैं उन आचार्यों का नाम आपने बताया है कि सर वो आचार हैं श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। उष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, उष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, दिनेश जी चयन कर दीजिए जल्दी से, शेयर कर दो अपने सभी साथियों को, उष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताना, अच्छा क्वेश्चन है, सूरदास हैं, कुंभन दास, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य माने जाते हैं, उष्टि मार्ग का प्रवर्तक बताइए, पुष्टि मार्ग यानी कि पुष्टि अगर करनी है तो अपन कैसे करवाना, बोले सर बल से करवाना, बल तो बल यानी कि बल्लभाचार, ठीक है, ये सी नंबर, पुष्टि अपन को बल से करवाना, बल्लभाचार सी नंबर। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, 15 नंबर का क्वेश्चन, सखी संप्रदाय बताना है, मध्वाचार है, स्वामी हरिदास है, निम्बारकाचार है, विष्णु स्वामी है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रोहिणी जी, पवन कुमार जी बताइए, चयन करिए जल्दी से, सखी बताए, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, और हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है ना, इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है, तब आपका सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, स्वामी हरिदास, बी नंबर, ठीक है, याद रख लेना। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है, पिछली बार टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन विकल्प में आपको वल्लभाचार्य भी दिया था और विष्णु स्वामी भी दिया था, आयोग ने विष्णु स्वामी सही माना था दोस्तों, क्योंकि शुद्धाद्वैतवाद के आदि आचार्य विष्णु स्वामी ही माने जाते हैं, वल्लभाचार्य के गुरु भी कौन माने जाते हैं, विष्णु स्वामी माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज अपन को याद रख लेना है कि यहां पर अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो तब आप क्या नंबर लगाओगे, तब आपको उत्तर लगाना कि सर शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते कौन, वल्लभाचार्य माने जाते, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य राइट आंसर है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, 17 नंबर में, द्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं द्वैतवाद के, बताओ मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर रामानंद, कौन माने जाते द्वैतवाद के प्रवर्तक, अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे।
और जिन भी साथियों को दोस्तों हिंदी साहित्य के विस्तृत वाले गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन चाहिए, अपने घर पर मंगवाना है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के टॉपिक वाइज दोस्तों, वो भी संपर्क करें, ठीक है। जिनको एडमिशन लेना है तो अभी आप 1200 में एडमिशन ले सकते हैं, ये ऑफर मात्र है, सीमित समय के लिए है, ठीक है। तो आपको उत्तर है कि सर द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य माने जाते, बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बी नंबर नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले जो आचार्य थे वो कौन थे? नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पवन कुमार जी, राजीव मौर्य जी, बताएं। 18 नंबर के क्वेश्चन में शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले जो आचार्य थे वो आचार्य कौन थे? 18 का उत्तर है और 18 के उत्तर में सभी का आंसर जा रहा कि नरसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य हैं विष्णु स्वामी, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु स्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैता द्वैतवाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, विष्णु स्वामी है, निंबार्काचार्य है, वल्लभाचार्य या फिर मध्वाचार्य है? द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? मनीषा गिल जी बताइए, युधिष्ठिर जी, पूजा जी, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टडी जी, महेश जी, सभी लोग बताएंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर द्वैता द्वैतवाद इसके प्रवर्तक है निंबार्काचार्य। निंबार्काचार्य बोले निम्बू देत देत, है ना, यहां से आ गया निम्बू निम्बू और देत देत, थक गए किसको? पड़ोसी को। और सर एक बार निम्बू दिया, पड़ोसी ने बार बार निम्बू मांगा, हम निम्बू देत देत थक गए, और एक बार हमने मना कर दिया कि हम निम्बू नहीं देंगे तो पड़ोसी सनक गया। तो सनक संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? निंबार्काचार्य, सनक संप्रदाय, ठीक है। तो द्वैता द्वैतवाद हो या सनक संप्रदाय, ये दोस्तों निंबूचार, अगर भाई पड़ोसी को निंबू नहीं दोगे तो पड़ोसी क्या हो जाएगा? सनक जाएगा, और सनक जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई? पड़ोसी से बैर रखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। निंबार्काचार्य, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों का दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 20 नंबर का। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। निम्बू देत देत थक गए पवन कुमार जी, ठीक है, वेरी गुड, और निम्बू ना दो तो सनक गए, ठीक है, बहुत अच्छा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक करना, और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का जो मूल आधार माना जाता है वो माना जाता है क्या? मूल आधार पूछा है, मूल आधार, और मूल आधार माना जाता है अद्वैत वेदांत, यानी बी नंबर। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है, बताओ? संत काव्य से संबंधित कौन सा नहीं है? चयन करिए आस्था जी, प्रियंका जी, आर के गौतम, आरती गौड़ जी, 21 नंबर के क्वेश्चन में 21 का उत्तर बताइए, वीडियो को लाइक कर दो। सरोज वित्त सिवी जी, 21 में शब्द कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? संत काव्य से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, 21 नंबर का प्रश्न है, वीडियो को एक बार लाइक तो करिए जरा, है ना, मजा भी आएगा। कौन सा शब्द संत काव्य से कुंडलनी योग, नाद बिंदु, सहज समाधि, मारिफत, और 21 नंबर का उत्तर जा रहा है कि सरी ने तरी को हकीकत में मारी, यानी कि ये आपका डी नंबर मारिफत, ये सूफी काव्य धारा से संबंधित है, है ना, डी नंबर आपका सही है। कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? 22 नंबर के क्वेश्चन में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाहा आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। दृष्टि जी जल्दी से बताइए एक बार, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एडमिशन जिनको लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है ये बताना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ये नहीं है, डी आपका बिल्कुल फिर से सही है, बहुत बढ़िया। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? 23 नंबर का क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का पुत्र का नाम क्या था जिन्होंने 1565 में दोस्तों अष्टछाप की स्थापना की थी? अष्टछाप में 8 कवि थे दोस्तों, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे,
और चार और शिष्य थे वो किसके शिष्य थे, ये सभी का आंसर आपको चयन करना है। सभी का आंसर आप लोगों को ही बताना है। इतना बढ़िया सेशन, आपसे वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम पूछा है दोस्तों। वल्लभाचार्य वही है जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, है ना। और यहाँ 23 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर गोस्वामी विट्ठलनाथ यानी कि आपका सी नंबर, बंगला भाषा में रचित रामायण का राम रचित राम कथा का नाम क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 24 नंबर के क्वेश्चन में, बताइए जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दो फटाफट से जल्दी से। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है, राम कथा का नाम क्या है बताओ। आनंद जी बताइए जल्दी से। कृतिवासी रामायण, अध्यात्म रामायण, नितिन सागर जी सभी लोग बताएं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है कि सर बंगला भाषा में रचित राम कथा का जो नाम है वो है कृतिवासी रामायण, यानी कि आपका जो ये नंबर है ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर। जिन्होंने बताया कृति अपन को याद रख लेना, बोले सर हम बंगला में रखेंगे कृति, काय में अपने बंगला में, अपने बंगला में ही रखना कृति, दूसरे बंगला में रखना नहीं जाना। तो बंगला से बंगला भाषा और कृति से कृतिवास रामायण, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो इस क्लास में तो लाइक जरूर कर दिया करो साथियों, है ना। आप लोगों का मन भी नहीं होता लाइक करने का, शेयर करने का। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, कृष्णदास, मध्वाचार्य, ये बताना है। आनंद जी जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आरिफ खान जी, दीपा जी, हरमिंदर जी, तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। दो और लाइव क्लासें होती हैं दोस्तों, और दो और लाइव क्लास होती है वो पैड वाली होती है, एक शाम को 5 बजे होती है पैड वालों की और शाम को 6:30 बजे भी होती है पैड वालों की, है ना। तो अगर आप पैड वाले मेंबर बनना चाहते हैं दोस्तों, यानी कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी बढ़िया सा मौका है। 1200 में 12 महीने निरंतर अध्ययन, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन क्या है अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन है, 25 का उत्तर बताना है और सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि सर तत्वदीप निबंध यानी कि बल, क्योंकि तत्व में क्या है, तत्व में बहुत बल है, तत्व में बल होता है। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं और बीजक नाम से संकलित किसने की है ये भी बताना है। चलिए दिनेश जी बताइए, नवदीप जी, शशि जी, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं और बीजक नाम से संकलित की किसने है ये भी आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत ही इतने बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा प्रश्न पूछा गया है, अच्छा ही बहुत ही बढ़िया। और आपका उत्तर यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन है और 26 नंबर के क्वेश्चन में कबीरदास और कबीरदास की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किसने किया, तब आपका उत्तर हो जाएगा कि सर इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। धर्मदास अपन को याद कर लेना है, ठीक है। और ये धर्मदास की आपने पढ़ी होगी, धनी धर्मदास की वाणी, है ना, तो आपका याद रख लेना ये सी आपका सही है। धर्मदास ने बीजक नाम से दोस्तों इनकी रचनाओं का संकलन किया था, इनकी वाणियों का संकलन किया था। कबीर की पत्नी का नाम क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन 27 में, कबीर की पत्नी का नाम क्या था, कबीर की पत्नी का नाम बताना है। पोती पड़ पड़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, और ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। कबीर दास 1398 में जिनका जन्म हुआ, है ना। और दोस्तों कबीर के बारे में आपको बताना है कि इनकी पत्नी का दोस्तों नाम क्या है। आपको पता है कि सर इनका जन्म हुआ था काशी लहर तारा तालाब के पास दोस्तों, है ना, याद रख लेना। इनको दोस्तों एक विधवा ब्राह्मणी इनको तालाब के पास फेंक गई थी कबीरदास को, है ना। और कबीरदास के बारे में याद रख लेना कि सर इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर, मगहर में हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद करोगे, इनकी पत्नी का नाम क्या था ये पूछा गया 27 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर चला गया लोई, यानी ये नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है, रामानंद का शिष्य कौन नहीं है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर, पीपा, धन्ना या फिर चतुर्भुज दास, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है, चयन कर दो जल्दी से। रामानंद का शिष्य कौन सा नहीं है, 28 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा कि सर रामानंद के शिष्यों की बात करें तो कबीर हैं, धन्ना भी हैं, पीपा भी हैं, लेकिन आपका सही उत्तर चला गया कि सर रामानंद के शिष्य चतुर्भुज दास नहीं है।
यानी कि आपका डी नंबर जो है चतुर्भुज दास नहीं है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामानंद का समय इनमें से क्या है, रामानंद का समय क्या है बताओ, 1368 से 1468, 1550 से 1648, 1250 से 1325, 1650 से 1740, रामानंद का समय इनमें से क्या है, रामानंद का समय बताना है आलोक जी। 29 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर इनका समय 1368 से 1468 माना जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुरु नानक देव का जन्म, गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों कब हुआ है, किस सन में हुआ है, गुरु नानक देव का बताना है, गुरु नानक देव का बताना है, सभी को पता है पिछली बार टीजीटी में गुरु नानक देव की माता का नाम पूछा गया था, तृप्ता ये पूछा गया था, है ना। अब यहां पर गुरु नानक देव आपको पता है दोस्तों कि गुरु नानक जो देव हैं ये दार्शनिक विचारधारा से मतलब उत्प्रोत थे, इनकी जो विचारधारा थी वो दार्शनिक विचारधारा से। एक क्वेश्चन आता है कि संत कवियों में दार्शनिक विचारधारा जो बाला संत कवि था वो कौन था, तो वो थे दोस्तों गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ था 1469 में। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा संत नहीं है, संत नहीं है बताना है, एक क्वेश्चन पूछा गया 31 नंबर के क्वेश्चन में आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, मीराबाई या फिर सुंदर दास, जल्दी से बताओ। बिल्कुल चेतन जी बिल्कुल सही बताया, कौन संत नहीं है ये बताना है। श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र का नाम था श्रीचंद, इनके दो पुत्र थे दोस्तों, एक पुत्र का नाम था श्रीचंद और श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, क्योंकि चंद लोग उदास रहते, उदास। कौन संत नहीं है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है कि सर हरिदास निरंजनी है, दादू दयाल भी हैं, सुंदर दास भी हैं, है ना, मीराबाई, यानी कि आपका यहां पर सी नंबर कृष्ण काव्य धारा से मानी जाती है संबंधित दोस्तों, ठीक है। ये सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हरडे बाणी के रचयिता कौन है, हरडे बाणी बताइए, हरडे बाणी के रचयिता गुरु नानक देव है। मीराबाई को कृष्ण काव्य धारा में रखा जाता है दोस्तों, संत काव्य धारा में नहीं रखा जाता। हरडे बाणी के रचयिता कौन है, गुरु नानक देव है, दादू दयाल है, मलुक दास है या फिर रैदास है। 32 का उत्तर वीडियो को लाइक कर दो रश्मि पाठक जी, हरडे वाणी की रचयिता बताना है, बताएं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और 32 का उत्तर जा रहा कि सर हरडे वाणी, हरडे अपन को याद कर लेना, बोले सर हम हरडे, हरडे मतलब होता हर दिन वाणी सुनते हैं, किसकी, दादू की, दादू की सुनते हो ना वाणी, है ना, तो हर डे और वाणी सुनते किसकी, दादू की, दादू से दादू दयाल। जन्म कब हुआ था बताओ जल्दी से, जन्म कब हुआ था दादू दयाल का, चयन करो। समाधि जोग ग्रंथ ये किस संत की रचना है, समाधि जोग ग्रंथ इसकी रचनाकार कौन है बताइए, गवर्नमेंट टीचर जी, अशोक जी, पूर्णिमा जी, सभी लोग चयन कर दो जल्दी से एक बार। इतना बढ़िया सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको हिंदी साहित्य को बहुत स्ट्रांग बनाना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, वो आज ही एडमिशन लें 1200 रुपए में। जिनको 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज अपने घर पर मंगवाना है आप हमसे संपर्क करें और दोस्तों बाई पोस्ट के माध्यम से ये आपके घर भिजवाई जाएगी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर हरिदास निरंजनी की रचना है समाधि जोग ग्रंथ, यानी कि आपका उत्तर हो गया बी नंबर। अगला है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया, सुंदर ग्रंथावली का, बहुत अच्छा। आपको पता है एक क्वेश्चन आता है कि संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे और सबसे जो शास्त्रार्थ थे वो कौन माने जाते हैं, तो सुंदर दास माने जाते हैं, ठीक है। और श्रृंगार रस संबंधी रचनाओं के विरोधी माने जाते हैं कौन दोस्तों, सुंदर दास, ठीक है। और सुंदर ग्रंथावली का जो संकलन किया है वो किसने किया है, एक क्वेश्चन और है, सुंदर दास के गुरु का नाम क्या है, सुंदर दास के गुरु का नाम क्या है, जन्म कब हुआ सुंदर दास का ये भी बता दो। 34 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर सुंदर ग्रंथावली का जो संकलन किया था वो किया है हरि नारायण शर्मा ने, यानी सी नंबर, पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया है, किसका दोस्तों, सुंदर ग्रंथावली। 34 नंबर के क्वेश्चन में सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुखमनी के रचयिता कौन है, सुखमनी
35 नंबर में बताइए, पिंकू जी, हरीश सरोज जी, रीनू जी, सुखमनी के रचित नेता बताना है, गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास हैं। सुखमनी के रचनाकार कौन है? उत्कर्ष जी, पिंकू जी, जल्दी से बताइए। ज्योति सी, वीडियो को लाइक भी कर देना। पूजा जी, रोली सिंह जी, बॉबी जी, 35 का उत्तर, 35 नंबर का चयन करना है, 35 का उत्तर बताना है। उत्तर हो जाएगा कि सर सुखमनी के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन, कौन बता रहा है, कौन बता रहा उत्तर 35 नंबर के क्वेश्चन में? मनीषा जी बताइए, प्रियंका जी चयन करिए जल्दी से। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर सुखमनी जो रचना है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन अपन को याद कर लेना है, सुखमनी, सुखमनी है ना, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 नंबर, पांचवे गुरु माने जाते गुरु अर्जुन देव, पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव माने जाते हैं, इनके कितने पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 500 पद हैं, 1000 पद हैं, 6000 पद हैं, या फिर 5000 पद हैं? 36 का उत्तर वीडियो को लाइक करिए यदि से 36 नंबर का क्वेश्चन है। और गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तर चला गया कि सर 6000 पद संकलित हैं, 6000, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आशा दीवार, आशा दीवार सोहिला रहीरास किस कवि की रचना है? आशा दीवार सोहिला रहीरास ये किस कवि की रचना है? गुरु नानक की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की, या फिर दादू दयाल की? यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। आशा दीवार सोहिला रहीरास किस कवि की रचना मानी जाती है? दोस्तों चयन कर दो जल्दी से, शेयर कर दो फटाक से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आशा दीवार सोहिला रहीरास और 37 का उत्तर, 37 में आप सभी ने उत्तर हमें बता दिया है कि सर 37 का उत्तर आपको लगाना है तो गुरु नानक देव लगा दो। ये नंबर आशा दीवार सोहिला रहीरास, ठीक है, इनको याद करोगे। इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? सबसे अच्छे कवि, 38 का उत्तर बताइए, सबसे अच्छे कवि कौन थे? 38 का उत्तर वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, शेयर करना है। और एक बार फिर अपनी लाइव में आ जाना है पढ़ाई के लिए, है ना। बोले सर त्योहार आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा ही एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया, 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। और 38 नंबर में सभी लोगों ने बताया कि सर सबसे अच्छे कवि जो थे, है ना, इनमें से गुरु अर्जुन देव, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर चला गया। इतना बढ़िया सेशन चलता है ये आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करवाई जाती है। और आप लोग हैं कि इससे जुड़ते नहीं हैं, अपने साथियों को नहीं जोड़ते, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सोचते हो कि साथियों को जोड़ देंगे तो उनके नंबर कहीं हमसे ज्यादा तो ना आ जाएं, ऐसा तो नहीं सोचते आप लोग? साथियों को जोड़ो भैया, है ना, ये सब किस्मत का खेल होता है। ये अध्ययन तो हजारों लोग करते हैं, सिलेक्शन किसी पांच का होता है, ठीक है, तो अध्ययन सभी करो, अपने मित्रों को भी करवाओ, है ना। सुखमनी बाबा नकरी बारह मासा किस कवि की रचनाओं के नाम 39 नंबर के क्वेश्चन में है, जल्दी से बताइए 39 में। अगर इस भावना का अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, है ना, और हम समझ जाएंगे। यहां पर बताइए 39 नंबर के क्वेश्चन में सुखमनी बावना आखिरी बारह मासा किस कवि की रचना है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी लोगों का आंसर जा रहा कि सर ये रचनाएं मानी जाती हैं गुरु अर्जुन देव, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी ये पंक्ति किस कवि की है? काहेरी नलिनी, है ना, तू कुमलानी, तू कुमलानी, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताना है। प्रदीप माहेश्वरी जी, वीना जी, पूजा जी, तनु जी, 40 का उत्तर, काहेरी नलिनी तू कुमलानी ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक देव की है, कबीर की है, हरिदास नंजनी, या फिर दादू दयाल की है? 40 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इतना बढ़िया और सुंदर क्वेश्चन पूछा गया। और आपका उत्तर चला गया कि सर ये कबीर दास की पंक्ति है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर। ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए, कितनी बार तो मैंने बताया है कि कबीर दास ने कहा था कि भैया आप पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, यानी कि पोथी को पढ़ पढ़ के, हजारों पोथी पत्रा पढ़ पढ़ के, है ना, जग ने पूरा पढ़ लिया लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ। और जिसने ढाई अक्षर यह प्रेम की दोस्तों महिमा समझ ली, वो समझो
क्या हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। ऐसा कबीर ने कहा, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित हो, सी नंबर अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, है ना। और दोस्तों दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया पवन कुमार जी, चेतन जी, वेरी गुड, बिल्कुल। सरस्वती का भंडार है, जितना ज्ञान बांटो उतना ही बढ़ता है, ये कोई कमने वाला नहीं है आपका दोस्तों। सरस्वती का भंडार ही ऐसा है, अजगर करे ना चाकरी पंची करे ना काम, मलूक दास यानी सी नंबर बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया, शुक्ल क्या पूछा गया है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों बांटो त्यों त्यों बढ़ता है दोस्तों ये भंडार, ठीक है, और इसका कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। ऐसा भंडार है, अद्भुत भंडार, अद्भुत निधि एक भगवान ने आपको दी है कि इसकी ना कोई चोरी कर सकता है और ना ये कभी आपका दोस्तों घट सकता है, बढ़ेगा ही, जितना जवाब बांटोगे दूसरों में उतना बढ़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया 43 नंबर के क्वेश्चन में, उत्तर है सादुकड़ी भाषा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, वाणी का डिक्टेटर बताना ममता जी, आर के गौतम जी, सभी लोग एक बार जल्दी से बता दो। बहुत ये इस सेशन से रोज जुड़ना है आप सभी साथियों को, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लाटेज में दोस्तों रोज निरंतर नए नए प्रश्नों का आपको अध्ययन करवाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा यहाँ पर की जाती है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, बोले सर कबीर को वाणी का डिक्टेटर तो हम हजारों बार कहेंगे, हजारों बार कहेंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो बोले सर पंचमेल खिचड़ी तो बड़ी सुंदर ही होगी, सुंदर दास साकी शब्द रमैनी, ये किसकी रचना है। 45 का उत्तर है, मुनेन्द्र पाल जी, मनीषा जी, सभी लोग बताइए साकी शब्द रमैनी ये रचना किसकी है। अच्छा क्वेश्चन है, पिंकी जी बताइए, ओम जी, है ना, ज्योति, सिखा जी, विश्वास, मलिक जी, जल्दी से बताइए, मुंशी जी, साकी शब्द रमैनी, दादू कबीर सुंदरदास या फिर गुरु नानक, यानी कि 45 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया कि सर साकी शब्द रमैनी यानी कि कबीरदास, आपका उत्तर चला गया साकी शब्द रमैनी, बी नंबर करेक्ट। साकी का मूल तत्सम शब्द क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साकी का मूल, तो ये क्वेश्चन कई बार आया, मैंने कई बार आपको बताया भी है। विजय शंकर जी बताओ, प्रीति जी, शिव कुमार जी, काजल जी, साकी का मूल तत्सम, रश्मि पाठक जी, तत्सम क्या है, साकी का अर्थ क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 46 नंबर में सभी का आंसर जा रहा कि सर साकी का अर्थ है साक्षी, साक्षी यानी कि आपका जो सी नंबर है साक्षी बिल्कुल सही है। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की, शांत रस की, करुण रस की या फिर वीर रस की, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है, 47 का क्वेश्चन बताना है। और देखते हैं कौन बता रहा है संत काव्य में, 47 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और 47 नंबर में संत काव्य में किस रस की प्रधानता है, प्रधानता बतानी है, श्रृंगार, वीर, करुण या फिर शांत रस की, तो आपका उत्तर है कि सर जो संत बनते ही हैं वो बनते हैं कब, बनते हैं जब इनके अंदर वैराग्य के भाव आ जाते हैं, ये दुनियादारी से दूर होना चाहते हैं, है ना, लेकिन दुनियादारी को एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों संत है, खुद का कल्याण तो करता ही है, साथ ही दोस्तों दूसरों का भी कल्याण करता है संत, तो संत काव्य ये दोस्तों शांत रस की प्रधानता है। इसमें कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है, दिनेश जी, बसंत जी, 48 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए, भूपेंद्र जी, विशाल जी, अच्छा क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर चला गया कि सर कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस, उलटवासियों में रस माना जाता है अद्भुत रस माना जाता है, अद्भुत उलटवासियां हैं इनकी, ठीक है, तो यहां पर बी नंबर अद्भुत रस आपका सही है ना। अबधु गगन मंडल घर कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, अबधु गगन मंडल घर कीजिए, ये पंक्ति किसकी है, गुरु नानक देव की, अबधु गगन मंडल घर कीजिए, गोरखनाथ, कबीर, रैदास, 49 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। और दोस्तों जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, ये जो बुक है 3000 की, वो मंगवा सकते हैं, 500 इसका प्राइस है, पोस्ट चार्ज, स्पीड पोस्ट चार्ज भी 99 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दो गगन मंडल घर कीजिए 49 का उत्तर, और उत्तर चला गया कबीर, यानी कि आपका जो सी है कबीर आपका बिल्कुल सही है, तुम चंदन हम पानी,
तुम चंदन हम पानी, 50 नंबर में मीरा, रैदास, मलुकदास, कबीरदास, तुम चंदन हम पानी, 50 का उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 50 में, तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों रैदास की, यानी कि आपका जो बी नंबर है रैदास, आपका बी नंबर सही है। दुल्हन गाबहू मंगलाचार, दुल्हन गाबहू मंगलाचार, ये पंक्ति बताना है कबीर, रैदास, सुंदरदास या फिर दादू दयाल। दुल्हन गाबहू मंगलाचार 51 नंबर का क्वेश्चन है, और 51 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर दुल्हन गाबहू मंगलाचार ये जो पंक्ति है। बताइए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, इस सेशन से आप रोज जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते ये भी हमें बता देना। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सभी साथी बताएंगे दुल्हन गाबहू मंगलाचार। 3000 क्वेश्चन की जिनको टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं, हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उत्तर माला सहित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का दोस्तों ये 3000 क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। और जिनको भी हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का विस्तृत मंगवाना है वो विस्तृत भी दोस्तों अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कबीरदास की ये पंक्ति आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है इसको, ऐप को डाउनलोड कर लेना, सभी साथी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और दोस्तों अभी 1200 वाला ऑफर जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, जिनको भी एडमिशन लेना आज कल में एडमिशन ले लें, बाकी दोस्तों फिर ये ऑफर आपको 4-5 महीने नहीं मिलेगा, ये ऑफर निकलते रहते हैं लेकिन ये 4-5 महीने बाद ये ऐसा ऑफर आया है। तो आप सभी साथी ऐसे ऑफर का लाभ जरूर लें, और जिनको भी विस्तृत नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, इतिहास के, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के वो मंगवा सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, ट्रिक भी है इसमें, ये मंगवा सकते हैं आप सभी साथी। और पंजाब मास्टर कैडर वाले जिनको भी प्रैक्टिस करना है वो 500 रुपए में मॉडल पेपर ये परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी वाले इस ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग कोर्स कर रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है दोस्तों ये कोर्स, ट्रेंडिंग पर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, 5-5, 10-10 हजार फीस भरनी पड़ रही है आप लोगों को, है ना। और कई दोस्तों लोग आते हैं कि सर यहां ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जैसे आप पढ़ाते हो, कि ट्रिक से याद करवा देते हो सारी चीजें, है ना दोस्तों। सीमा जी, तो मनमोहन, दीपिका जी, पवन जी, चेतन जी, निशु जी, है ना, गोमतेश्वर आलोक जी, चेतन जी, पूजा गौर जी, रागनी जी, दारसू जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ते, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दिया करो। साक्षी तिवारी जी, चेतन जी, है ना, मनीषा गिल जी, सिकंदर जी, शालिनी जी, अयोध्या जी, अयोध्या प्रसाद जी, ठीक है, सुखदेव, सुभाष चंद्र जी, सुभाष श्रीवास्तव जी, सुखदेव जी, श्वेता, श्वेता जी, दारसु, अनुराग जी, चेतन जी, ठीक है, अमन जी, और इट्स जी, प्रेम जी, अंकित जी, मंजू जी, मनोज कुमार जी, रीनू जी, आनंद जी, ठीक है। रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, 10 बजे एक क्लास एग्जाम पार पर भी होती है, वो क्लास भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। रमन त्यागी, ठीक है, आलोक जी, अनुराग जी, पवन कुमार जी, ठीक है, कवित जी, नितेश जी, रेसु जी, मनीषा, ठीक है, लक्ष्मी जी, मुनेंद्र पाल जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, पढ़ते रहें।